महांगा डबल मर्डर घटनार निरपेक्ष तदंत लागि आसंता 20 तारीख दिन विधानसभा घेराव कर राज्य बीजेपी। आज राज्य बीजेपी पदयात्रा वर्तमान पहुंची सारी भुवनेश्वर स्थित रसुलगढ़ छक देखिपे सीधा सड़क चित्र रसुलगढ़ छकर बीजेपी नेता नेत्री समस्ते एकत्रित होती महांगा डबल मर्डर घटनार निरपेक्ष तदंत हत्याकारी मंत्री हत्याकारी अभियुक्त जी रही मंत्री समेत समस्त अभियुक्त को गिरफ्त करने मृतक परिवार को एवं मृतकों को न्याय देवाई आगामी आसंता 20 तारीख दिन विधानसभा घेराव करम सहित बीजेपी अनेक कर्मकर्ता जोड़ी होती सीधा सड़क सहित आलोचना करवा बीजेपी नेता मंत्री समस्त जोड़ी होती मैडम आगामी 20 तारीख दिन विधानसभा घेराव कर पदयात्रा चलो जो धारणा रही दिन रही पदयात्रा एवं जो मृतकों परिवार को कौन न्याय दावी रखी देखो तो आज की तीन दिन है ये पदयात्रा जारी रही आज जाकि राम मंदिर पाखे आज रात्रि सुधा पदयात्रा पहुँचब काल सका 10 लोअर पीएमजी रे महांगा बीजेपी तथा राज्य बीजेपी तरफ रु विधानसभा घेराव कार्यक्रम रही जी 13 नंबर मुदाला राज्य आईन मंत्री प्रताप जेना डबल मर्डर केस रे महांगार सी एपर्त गिरफ होना सी एस्कॉर्ट नहीं कि महांगा अंचल जा बुलुंट तत्सहित जो भाई भाव में अलग जो मैंने आक्यूट मान अच्छा से धरा पड़ना तेणु ये जो विधानसभा घेराव कार्यक्रम दोषी को धरा जाऊ आईन मंत्री निजे इस्तफा दियंतु नलता बहिष्कार करा जाऊ ये होची भारतीय जनता पार्टी दाबी। मैडम तीन दिन धरिकी पदयात्रा करुची राज्य बीजेपी जो तीन दिन एते दिन न्याय पाई जत बीजेपी लड़ूला भावुं कि तीन दिन पदयात्रा पर जो सरकार चेतिबो एवं जो श्रृंखला स्थिति जो विपर्जय हो पड़ी ताहा पुणी थरे सुधरिबो बोली भावुंट निश्चय बीजेपी ये आशा बांधिक आज ये विधानसभा घेराव कार्यक्रम करुच्चे महांगारे शांति श्रृंखला एकदम मान विपर्यस्त अवस्था अच्छी महांगारे जो राजनीति में हिंसार स्थान नहीं सेठी हिंसा चली दीर्घ 2014 दीप्तिकांत साहू मर्डर केस 2018 विकास जेना मर्डर केस आउ एबे ये डबल मर्डर केस कुलमणि बराल आउ दिव्य सिंह बराल तेणु बहुत निंदनीय कथा मुख्यमंत्री को लज्जा लगवा कथा आईन मंत्री को लज्जा लगवा कथा तांकर विधानसभा क्षेत्र में ए भली भाव में लज्जाजनक कांड हो जदि मानविकता थी से निश्चिंत भाव से आईन श्रृंखला बजाय रखापी निजे इस्तफा देवे भारतीय जनता पार्टी बहिष्कार दावी कर भाव देखुले जो प्रतिक्रिया रखुंट अनेक जो नेता मंत्री रही सीधा सड़क मैडम कौन लगुच आईन श्रृंखला पूरापूरी भाव में विपर्जय हो पड़ी कि राज्य निश्चित भाव में राज्य वर्तमान आईन श्रृंखला विपर्यस्त अवस्था अच्छी जो भाई आप देखिंटे महांगर डबल मर्डर घटन ये पदयात्रा जारी रही आसंता का विधानसभा घेरे हो भाव में भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेतृत्व कुलमणि बाबू और दिव्यशंकु बाबू को हत्या कराई ये सारा राज्य में एक चांचल्यकर सृष्टि होता जे आईन मंत्री निजे जो भाई भाव में क्राइम घटे से महांगर डबल मर्डर निरपेक्ष तदंतपाई एवं भारतीय जनता पार्टी तार कार्यक्रम जारी रखी आसंता का विधानसभा घेरे हो निहाती भाव में आसंता का विधानसभा घेराव हो दीर्घ दिन धरिकी न्यायपी जिते बड़े कुलमणि बराल जो न्यायपी जिते बड़े दाबी कर राज्य बीजेपी जिते बड़े सरकार यहाँ कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करन थिले तीन दिन धरिकी बीजेपी पदयात्रा करसंता का जो रही मास्टर कैंटीन धारणा आहरी जोरसोर होगा सड़क पचार सर धारणा जो रही आसंता का विधानसभा घेराव करागुच कि दीर्घ दिन धरिकी राज्य बीजेपी न्यायपी हक लड़ी आसूसी गोटे धारणा ये जो तीन दिन पदयात्रा है पदयात्रा सरकार निहाती शुणे बोली ये सरकार हूँ एक काला सरकार नवीन सरकार समय जो भाव में गुंडारा चली जो भाव में महांगार डबल मर्डर घटना कहतु विकास जेनार मृत्यु कहतु ए सरकार प्रताप जेना जी आईन मंत्री जी रक्षक साजा कथा कितु भक्षक साजिल
से आईन मंत्री को बहिष्कार एवं गिरफ करबा पई भारतीय जनता पार्टी साधारण लोक पाखरे कथा को पहुंचाइबा पई 4 दिन व्यापी पदयात्रा करिछे एवं काली विधानसभा घेराव हबो। यदि विधानसभा घेराव परे नवीन सरकार काला सरकार अधिपति कर्णपात करते आगामी दिन में व्यापक आंदोलन हबो। एति पई नवीन सरकार